गाइस, क्या आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे ऐसा हो रहा है कि जब कभी भी आप लोग जैसे व्हाट्सएप के किसी भी पर्सन के फोटोज या वीडियोस को डाउनलोड कर रहे हैं वो गैलरी में नहीं आ रहे, या फिर आप लोग व्हाट्सएप के कोई भी फोटो या वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं तो गैलरी में शो ही नहीं हो रहे? मतलब व्हाट्सएप में तो आ रहे हैं, आप डाउनलोड भी कर रहे हैं, उसको व्हाट्सएप में देख पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी गैलरी में नहीं आ रही, फाइल मैनेजर में डाउनलोड नहीं हो रही। तो इसका क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन, ये मैं बताऊंगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये बताऊंगा, और इसका सोल्यूशन क्या है ये भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब कुल मिला के बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग फिक्स कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप में आ गया हूँ और यहाँ से मैं अपने सेकेंडरी फोन से यहाँ पे इमेजेस इसमें सेंड करके आपको बताता हूँ कि गैलरी में अभी इमेजेस नहीं आ रही हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेंड कर दी इमेज और यहाँ पे इमेजेस आने लगी हैं। देखिए यहाँ पर इस फोन से आ चुकी है यहाँ पे इमेजेस, और ये सारी इमेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है ऑटोमेटिकली। हम यहाँ पे इसको सीन कर पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं इमेजेस को सारी की हमारे व्हाट्सएप में आ चुकी है, बट ये इमेजेस अभी हमारे गैलरी में नहीं गई होगी। हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं, फाइल मैनेजर में मैं आपको ले चलता हूँ, और फाइल मैनेजर में आने के बाद हम लोग इमेजेस में आ जाते हैं। इमेजेस में देखिए यहाँ पे कोई भी ये वाली इमेजेस नहीं आई है। देखिए यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं, ये वाली कोई भी इमेजेस यहाँ पे नहीं आई हुई है। मैं आपको वैसे एल्बम में भी ले चलता हूँ, डाउनलोड फोल्डर एंड ये वाला एक फोल्डर है और स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप का कोई भी फोल्डर नहीं है। अब ये फोटोज़ क्यों नहीं आ रही, चलिए हम जानते हैं उसका रीज़न क्या है। तो हम लोग इससे व्हाट्सएप में आते हैं। अब व्हाट्सएप में आने के बाद देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि यहाँ पे चलना पड़ेगा सेटिंग में, ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हम लोगों को चलना है चैट्स में। अब चैट्स में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ऑफ है, वो है मीडिया विजिबिलिटी। तो अगर ये आपका ऑप्शन ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर देना है। मीडिया विजिबिलिटी यहाँ पे देखिए ऑन है। अब उसके बाद यहाँ से वापस से मैं फोटो भेजूंगा और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं फिर से फोटोज भेजता हूँ, ठीक है, एक दो फोटोज भेजूंगा मैं और वो फोटोज देखते हैं हम आते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फोटो भेज देता हूँ, तो यहाँ से हम एक फोटोज भेज देते हैं, मैं कोई भी एक फोटो भेज देता हूँ मेरे सेकेंडरी फोन से। तो ये मैं एक फोटो भेज रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने फोटो सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये फोटो यहाँ पे आ गया है। अब इस फोटो को भी हम लोग डाउनलोड करेंगे तो ये फोटो भी नहीं आएगा। देखिए हो सकता है आपकी दो सेटिंग में से एक गड़बड़ हो, मैं आपको दोनों सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो देखिए ये फोटोज भी इसलिए नहीं आएगा, हो सकता है देखिए अगर आपका दोनों में से कोई भी सेटिंग गड़बड़ हो तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन का आपका जो मीडिया विजिबिलिटी हो नो हो। अब इसको डिफॉल्ट यस कर देना, ओके पे आके क्लिक कर देना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के फोटोज आपकी गैलरी में नहीं आ रहे तो ये वाली सेटिंग का कर सकते हैं, और अगर सभी के नहीं आ रहे तो ये वाली सेटिंग होगी। यहाँ से मैं थ्री डॉट्स पे बताता हूँ, सेटिंग पे चलना है, चैट्स पे क्लिक करना, मीडिया विजिबिलिटी को ऑन कर देना, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इसको यस कर देना है। अब वैसे आप लोग ये दोनों सेटिंग्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अब और इमेजेस सेंड करता हूँ, वो सारी इमेजेस हमारे गैलरी में ही आएंगी, इमेजेस हो, फोटोज हो, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं एक फोटो वापस से सेंड करता हूँ, ये वाला फोटो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे दूसरे फोन से इस फोन में सेंड हो रहा है, ये फोटो आ गया है, ठीक है, ये फोटो डाउनलोड भी हो गया है। अब जैसे हम लोगों ने डिफॉल्ट दोनों सेटिंग कर ली है, जैसे आपको दोनों सेटिंग चेक करनी है, अगर पर्टिकुलर पर्सन का नहीं आ रहा हो ना तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे करना, और अगर सभी के जो फोटोज़ वीडियोस हो गैलरी में नहीं आ रहे तो वो वाली सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ इमेजेस में आते हैं। तो ये देखिए व्हाट्सएप की इमेज यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे व्हाट्सएप का फोल्डर भी बन गया। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इमेजेस में चलते हैं और यहाँ पे आते हैं तो व्हाट्सएप की एक इमेज आई हुई है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के व्हाट्सएप के फोटोज और वीडियोज गैलरी में नहीं आ रहे तो आप लोग ये सेटिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के अगर व्हाट्सएप के फोटोज वीडियोज गैलरी में नहीं आ रहे तो आप लोग उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।